हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके हमारे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम फिलहाल चल रहे हैं भागलपुर और अभी 11 बज रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं फिलहाल भागलपुर क्योंकि हमारा लैपटॉप बन के रेडी हो चुका है। लेकिन तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सुल्तानगंज स्टेशन के सामने और यहाँ देखिए कांवड़ियों का भीड़ और अभी एक ट्रेन आने वाली है। तो देखिए ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है और अभी ट्रेन आने वाली है कुछ देर में। और अभी जो आपको ये खाली स्टेशन दिख रहा है ना, अभी ट्रेन आएगी तब देखिएगा कैसा रहता है स्टेशन का हाल। खाली ही बुझा रहा है ना। ये गाड़ी चलती है सहरसा से आपका भागलपुर, खाली है, फिर भी बहुत खाली है। तो देखिए गाड़ी तो लगभग खाली है, फिर भी उतना भीड़ नहीं चल रहा है। देखिए कमरिया कितना, देखिए सभी कमरिया आए हैं इसी ट्रेन से, बहुत भीड़ है। और हमको भी इसी ट्रेन से जाना है भागलपुर। देखिए महिला बम भी है और बच्चे बम भी सब हैं। हर जगह पूरा पूरा खाली कांवड़िया ही दिख रहा है अभी यहाँ पर। और गर्मी इतना है कि पैर नीचे थिप रहा है, देखिए दौड़ रहे हैं कांवड़िया से। तो देखिए ट्रेन खुल गई और देखिए कितना कांवड़िया नीचे लेटे हुए हैं। दृश्य देखो कितना भयानक आ रहा है। तो देखिए जो ट्रेन विदाउट स्टॉप भागलपुर जा रही थी उसे अकबर नगर में बैकम खींच के रोका गया है। अकबर नगर गाड़ी खड़ी हो गई है और बाहर धूप देखिए कितना जबरदस्त बढ़ गया है। देखिए नाव चलने लगा, एक समय इसमें सूखा था। देखिए ये है इंटरस्टी है राजकीय बालिका मध्य विद्यालय नाथनगर और ऊपर मौसम देखिए कितना जबरदस्त है। यहाँ भी बैकम हो गया था। तो देखिए भागलपुर से की स्टॉपेज पहले नाथनगर पहुंच गई हमारी गाड़ी। तो देखिए हमारी ट्रेन भागलपुर के आउटर से एक नंबर से कट होकर जा रही है और ये जो एक नंबर दिख रहा है ये एक नंबर और दो नंबर एक ही से कनेक्टेड है, तो एक और दो नंबर पे तो नहीं जा रही है, शायद तीन पे जाए। देखिए ये है आपका प्रधान डाकघर, सामने से जो दिख रहा है। और ट्रैफिक भागलपुर में यही हाल होता है ट्रैफिक। देखिए यही आपका बड़ी पोस्ट ऑफिस भागलपुर, इसी को प्रधान डाकघर कहते हैं, प्रधान डाकघर। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जबरदस्त रहता है, बहुत जबरदस्त। देखिए गाड़ी कितना क्लोज हो गई। तो देखिए हम लोग उतर गए हैं, अब जा रहे हैं डेल सर्विस सेंटर। चलिए देखिए कितना खर्चा बताता है, ऐसे तो बताया है कि 10,000 के अंदर हो जाएगा, देखिए अब कितना लगा है। तो चलिए आ गया डेल सर्विस सेंटर, ये देखिए
आइए अब चलते हैं अंदर, इसके बाद लेते हैं लैपटॉप अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, लैपटॉप तो बन गया, देखिए लैपटॉप ले लिए हैं और अब चल रहे हैं घर। 10,000 लगभग लग गया इसमें, 9800 रुपये लग गया। अब लोग घर में दिखाएंगे बिल, चलिए। तो देखिए भागलपुर का वी-मार्ट, देखिए कैसे गिर रहा है। हर्षित प्लाजा नाम है इस घर का। देखिए ये रास्ता है आपका, पुल से जस्ट निकलिएगा बाहर तो यहाँ से नीचे रास्ता बना गया, और यहाँ अंदर आने के बाद देखिए मार्केट ही मार्केट दिखेगा आपको अंदर। बाहर धूप बहुत ज्यादा था, इसी कारण हम लोग शॉर्टकट नीचे से जा रहे हैं। देखिए सब्जी बहुत सारा मिल रहा है, ठंडा एकदम हरा हरा सब्जी। और इधर तरी आप लोगों को सूरज भगवान से मिलवाते हैं, देखिए कितना तेज धूप दे रहे हैं, हालत का बैंड बजा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले बस स्टैंड मतलब सॉरी जो टैक्सी स्टैंड ऑटो स्टैंड सब था, ये सब हट के पूरब साइड आ गया है स्टेशन से। पूरब साइड मतलब जो वहाँ पहले था उससे पूरब साइड आ गया है। तो हम लोग इधर से ही शॉर्टकट लेके नीचे आ, क्योंकि देखिए ऊपर पुल से हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज धूप था, आँखों पर ही रोशनी आ रहा था। तो हमारे सामने देखिए भागलपुर जंक्शन है और ट्रेन आएगी 4:15 और टाइम हो गया 3:32। चलिए तो देखिए यहाँ से जो है ना आपको नवगछिया कटिहार पूर्णिया सब कुछ सब जगह के लिए गाड़ी मिल जाएगा। जैसे देखिए जितना ऑटो ऑटो मतलब ये मैजिक वैजिक लगा हुआ है सभी उधर के लिए ही। तो जिनको अगर कटिहार वटिहार जाना हो, नवगछिया जाना हो, तो स्टेशन उतरने के बाद पूरब साइड बिल्कुल चलते आना। तो देखिए ऐसा दृश्य आप लोग पटना में देखते होंगे, लेकिन यहाँ देखिए भागलपुर में ऐसा दृश्य दिख रहा है। खाली बाइक ही बाइक है, देखिए बाइक स्टैंड इधर ही है आपका, इधर था मतलब टैक्सी स्टैंड और इधर है आपका बाइक स्टैंड। तो जिनको जिनको बाइक लगाना होगा इसी स्टैंड में आकर लगाइएगा, यही पार्किंग है, बाइक पार्किंग। तो देखिए ये बिना नाम का नंबर जो गाड़ी है ये पता चला है अनाउंसमेंट करने के बाद। तो देखिए इस मेला एक्सप्रेस का एक खासियत बताते हैं आप लोग को, चार्जिंग स्लॉट दिया है लेकिन नो वर्किंग, फैन दिया है बट नो वर्किंग, कुछ भी नहीं चल रहा है इसके अंदर, बस मेला स्पेशल बना के इसको चला दिया गया है। कमरिया लोग देखिए बैठे हुए आराम से। देखिए ट्रेन पहुंची है सुल्तानगंज और कमरियों का भीड़ बहुत ज्यादा, इधर से भी देखिए बहुत कमरिया आ रहे। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर और देखिए लैपटॉप हमारा बन गया, और आप लोगों को बताए थे उस वाले ब्लॉग में कि 10,000 रुपया लग जाएगा, तो लगभग 10,000 रुपया लग ही गया, 200 रुपया वापस किया 10,000 में, मतलब 9800 रुपया में लैपटॉप में लग गया, लेकिन लैपटॉप मेरा ठीक हो गया नहीं पता चल रहा था। तो चलिए कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, पसंद आया है तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और देखिए आपको थोड़ा हम लैपटॉप का दिखाते हैं कैसा है मेरा लैपटॉप बनने के बाद। तो देखिए फाइनली लैपटॉप मेरा बन गया, चल भी रहा है और अब एडिट वेडिट करने में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो चलिए अब टेंशन मुक्त है। क्योंकि मोबाइल से भी हम वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल में मेरा मेमोरी फुल हो जाता है, तो इस कारण से क्या बोलते हैं उसे वीडियो थोड़ा लेट आता है। तो अब कोशिश करेंगे कि जो वीडियो बनाएंगे तो वो लैपटॉप के अंदर डालने के बाद फिर आप लोग को पर डे वीडियो मिलता रहे। तो देख लिए लैपटॉप बन गया, 10,000 लगभग लग ही गया। तो चलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।